टीम के साथ। मैंने भरोसा किया, तुझे अपने घर में आने की इजाजत दी, तूने मेरे ही घर में नकाब लगाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल। मैंने अपने घर की इज्जत बनाया, अरे तुझे मैंने मान दिया, और तू मेरे पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। गले पे दबाव का निशान तो बहुत पास है, जिस नंबर से हमें कॉल आई है वो नंबर भी पास है। एक काम कर, चौकड़ी को ले बना। ये काम तेरे अकेले के बस की बात तो नहीं है, और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस कत्ल में? इस घर से मोहल्ले वालों ने किसी को भागते हुए भी देखा है? मैंने अपने शौहर को नहीं मारा, मुझ पे तो खुद हमला हुआ है। ये देखें, ये निशान देख रहे हैं आप मेरे गले पे? ये देख रहे हैं आप? ये देखें, किसने किया तुझ पे ये हमला? मेरी सौतन, मेरे शौहर की पहली बीवी। पहली बीवी? क्या नाम है उसका? जुबैदा। कहाँ रहती है जुबैदा? बताती हूँ। तो आप हैं जुबैदा, क्या हुआ था? हाँ, मैं हूँ जुबैदा। खा गई नागन मेरे शौहर को। मैंने जमाल को मना भी किया था कि इस उम्र में ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, कर ली दूसरी शादी। ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझती हो, इस तरह चीखने चिल्लाने से अपने आप को बेगुनाह साबित कर दोगी? बताओ सच क्या है और किसके साथ मिलकर कत्ल किया है? मैं क्यों करूंगी उसे कत्ल? अरे मुझे कत्ल करना होता तो शादी वाले दिन ही कर देती। मुझे उस पर गुस्सा था, लेकिन इतना भी नहीं कि जिंदगी भर की रफाकत भूलकर मैं दुश्मनी पर उतर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, मान लिया कि तुमने ये कत्ल नहीं किया। क्या मकतूल जमाल की दूसरी शादी की वजह औलाद का ना होना था? अरे जुबैदा भाई, कहाँ हो तुम? जुबैदा, हाय हाय हाय, वाह, आई थक गई मेरा सर। क्या बात है, तुम फिर सर पकड़ के बैठी हुई हो? जब भी घर में आओ ना,
तो तुम सर पकड़ के बैठी रहती हो। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि कभी सच समर के भी रहा करो। जब भी मैं काम से वापस आता हूँ तुम्हारा यही हाल होता है, हॉर्न नक बनी रहती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ड्रामे कर रही हूँ? अरे सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती हूँ और तैयार होकर जाना कहाँ है बोलो? हाँ जरूरी नहीं कि कहीं जाना हो। अरे भाई तुम अपना ख्याल तो रख सकती हो। अपना ख्याल रख के करना क्या है? अरे इस उम्र में सांसें चल रही है वही काफी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। लो रख दो, सुबह मूड होगा तो खा लूंगी। अच्छा तो फिर जनाब का क्या मूड है? जमाल ये जवानों वाले चोचले इस उम्र में अच्छे नहीं लगते। और जहाँ तक रही मूड की बात, मेरी तबीयत बहुत खराब है, सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इसका तो हर वक्त मूड खराब रहता है, कहाँ फंस गया हूँ। एक बार वो ट्राई करता हूँ, शायद काम बन जाए। जुबैदा, अरे जुबैदा मेरी बात तो सुनो। जब देखो उजाड़ खंडर बनी रहती है, जरा से भी शोर का एहसास नहीं है। आ गए आप? माशाल्लाह आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, कयामत डाल रही हो कयामत। आपकी तो हर वक्त राल टपकती रहती है। चलो छोड़कर आओ मुझे मेरे भाई के घर पर। क्या तो तुम इसलिए तैयार हुई हो? हाँ तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाओ अपने भाई के घर? तुम्हें तो पता ही है मेरी भाभी मुझे ताने दे देकर मार देगी कि तुम्हारे पास तो अच्छा पहनने ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, यानी कि लोगों के तानों के डर से अपने चेहरे पर इतना मेकअप थोप लेती हो। मजा ले जो कभी मेरा भी ख्याल कर लो। बस कर दो, तुम्हारे लिए तो जितना भी कर लो तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो छोड़ कर आओ। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम ऐसा करो कि ये लो और रक्षा करा के चली जाओ। तुम तो मेरे साथ चलना कभी नहीं चाहते, कोई दूसरी देख ली होगी तुमने। दूसरी देखी तो नहीं है, मगर जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, दूसरी देखनी पड़ेगी मुझे। वो तो मैं ही थी जो तुमसे शादी कर ली, वरना कोई दूसरी औरत तुम्हें मुंह तक ना लगाए। बड़े आए दूसरी शादी करने वाले। ये लो रखो अपने पास पैसे और चलो मुझे छोड़कर आओ। आ जाओ अब। आ रहा हूं। यानी तुम्हारा और मकतूल का जिस्मानी ताल्लुकात ना होने की बिना पर झगड़ा चल रहा था। ऐसा तो अक्सर होता रहता था, वो मुझे बुलाते थे लेकिन मेरा मूड नहीं होता था। कितने वर्ष हुए आपकी शादी को? 26 साल। तो औलाद का ना होने का ताना नहीं दिया तुम्हारे शोहर ने कभी? नहीं कभी नहीं दिया, लेकिन उसकी ख्वाहिशात के आगे मैं हार मान गई थी। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था। अच्छा ये बताओ कि दूसरी शादी तुमने खुद कराई थी? मेरा मतलब अक्सर वो औरतें जो अपने शोहर का साथ नहीं दे सकती वो खुद ही को रिश्ता ढूंढ के अपने शोहर की शादी करा लेती ताकि उनकी जान छूटे। इतनी बर्दाश्त मुझ में नहीं थी कि मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूं। तेरी पीठ पीछे उसको लेके ये गुल खिलाया है। कहां खो गए हो आप? अगर भाभी की इतनी याद आ रही है तो जाकर ले।
क्या बताऊं यार, तुम्हारे भाभी का होना ना होना बराबर ही है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है, पेट का जहन्नुम भरने के अलावा भी एक और भूख होती है। क्यों नहीं पता होगा, आखिर हम भी दिल और दिल में जज्बात रखते हैं। तुम्हारी भाभी ने ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त है? मैं ही कुत्ते की तरह भौंड रहा होता हूं उसे। खुद को गाली दे रहे हैं आप? गाली तो छोटी सी बात है मियां, मैं तो खुद को इससे भी गिरा हुआ महसूस करता हूं। जब वो एक मुर्दे की तरह मेरे साथ लेटी होती है, तुम भी बताओ यार क्या कर? एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? दूसरी शादी किसी कम उम्र जवान साला औरत से, जो तुम्हारा भरपूर साथ दे। क्या जोक सुनाया तुमने यार। यार तू मुझे ये बता कि इस उम्र में कौन मुझे अपनी बेटी देगा? और फिर तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी क्या कहती है? क्या? वो मुझे ये ताना देती है कि ये मैं ही हूं जिसने तुमसे शादी कर ली। देखें बड़े मियां, एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बड़े मियां, मेरा नाम है जमाल और प्यार से मुझे जिम्मी भी कह सकते हो। ओके जिमी साहब, बात ऐसी है, आपके पास है रिटायरमेंट का पैसा और बहुत सी तलाक याफ्ता और बेवा औरतें ऐसी हैं जो आसानी से आपके साथ निकाह में आ जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल 100%। यार फिर तो तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे काम आ सकते हो। समझो के आपका काम हो गया। नहीं नहीं सच्ची में, कसम से अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, मेरे मोहल्ले में एक तलाक याफ्ता लड़की रहती है, मैं उससे बात करके आपका निकाह फिक्स करवा देता हूँ। अरे मेरे बच्चे जीता रहे। कंट्रोल कंट्रोल माय फ्रेंड। समझ के मैं जवान हो गया। अरे वाह, जवानी फिर भर गई है मुझ में। क्या बात है, जीते रहे मेरे बच्चे। कंट्रोल कंट्रोल माय फ्रेंड। बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। अरे ये सिला दिया तुमने मेरे 26 साल की रिफाकत का। अरे उस सौतन को लाकर मेरे सर पे बिठा दिया। सुभेदा देखो समझने की कोशिश करो, वो सुन लेगी, ऐसा बोलो। अरे तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र है, जो चंद घंटे पहले आई है, मेरा कोई ख्याल नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। देखो तुम मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अब मैं उसे निकाह करके यहाँ ले आया हूँ। तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा और उसकी भी फिक्र करूंगा। रहने दो, रख लिया मेरा ख्याल तुमने और मैंने देख लिया। जाओ जाओ उसके पास जाकर सो, उसकी बाहों में जाकर सो। तुम मेरी बात तो सुनो। कहा ना, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ अपने उस चमक चलो के पास।
मर्द होते ही मतलब परस्त हैं। अरे मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर अपनी नई बीवी के पहलू में घुसकर सो गया। देखना जमाल, तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम और तुम्हारी बीवी हमेशा याद रखोगे। देखना अब मैं करती क्या हूं। अरे तुम यहां बैठी चाय सुड़क रही हो पर हमारे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? आज तो बहुत फ्रेश लग रहे हो तुम। जो नई दुल्हन लाए हो ना उसी से जाकर कहो वो देगी तुम्हें नाश्ता, अंडा पराठा। अरे भाई आज उसका पहला दिन है इस घर में, अब वो नाश्ता बनाते हुए अच्छी लगेगी। तुम बनाओ हमारे लिए। वाह जमाल साहब वाह, एक ही रात में इतनी फेवर। वैसे नई दुल्हन के लिए नाश्ता तो उसके घर से ही आता है, क्या इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है? वैसे कहां से उठाकर लाए उसे? बेटा, कमीज। सुना तुमने? अगर नाश्ता नहीं बनाना तो मत बनाओ, अगर अपनी ये लल्लों को कंट्रोल में रखो। समझ में आई तुम्हारी? हाँ सुन भी लिया और समझ भी गई। पहले समझ जाती तो अच्छा था। अपनी लल्लों को कंट्रोल में रखो। देखती हूँ छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है अपने आप को। अरे शायद तुम आओ। हाँ नाश्ता लाया। यार ये तुमने बड़ी समझदारी का काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ी भाभी कुछ दिन तुम्हारा खाना पीना बंद रखेंगी। बड़े समझदार हो गए हो। वैसे इसी बात पर अंदर अभी जंग चलेगी तुम्हारी भाभी के साथ। इसीलिए तो नाश्ता लेके आया हूँ ताकि तुम फिर लड़ने के काबिल हो सको। तो खड़े क्यों? आओ मिलके नाश्ता। चलो कैसी गुजरी रात? बस ठीक थी, तुम्हारे जैसी बात कहा। एक बात याद रखना, जितना पैसा लूट सकती हो ना इस मुल्क से लूटते रहे, और हाँ जायदाद भी हथियाने की कोशिश करते रहे ताकि बाद में मिलकर ऐश कर सके। तुम टेंशन ही मत लो, यही सब तो करने आई हूं मैं यहाँ। अरे भाई क्या राज और न्याज की बातें हो रही हैं बहन भाई में। अरे मैं बाजी को समझा रहा था भाई, आज भाई को जहमत दिए दोबारा ना देना। गुड वेरी गुड भाई, नाश्ता लग गया चलो। अरे आपने क्यों जहमत की, मुझे बता दिया होता। अरे जनाब जहमत की क्या बात है, आज आपका पहला दिन है, उसके बाद तो घर आपने ही संभालना है। चले नाश्ता लग गया। चलो 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 चलो। मतलब मकतूल जमाल की दूसरी शादी से पहले दिन से तुम्हारा झगड़ा शुरू हो गया था। एक मजबूर औरत करी कह सकती है। अरे लड़ झगड़ कर सबर की घूंट पी लिए, खामोश हो गई मैं। मगर तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि तुम्हारी जान छूटी, फिर वो तुम्हें तंग भी नहीं करता होगा ना। नहीं वो तंग तो नहीं करता था, लेकिन मोहल्ले के सारे आवारा लड़के हर वक्त मेरे घर के आगे खड़े रहते थे, मैं उनसे बहुत तंग आ गई थी। क्या वो लड़के तुम्हारे लिए खड़े होते थे? नहीं सर, मैं नौशीन जैसी औरत नहीं हूँ, वो मेरे लिए क्यों खड़े होंगे। वो तो नौशीन मुस्कुरा मुस्कुरा कर सब लड़कों को अपनी तरफ रागिब करती थी,
इस तरह मेरे घर के आगे रश लग जाता था। मकतूल को इस बात का इल्म नहीं था? जी, मैंने बताया था उनको। आए, आए। क्या खूबसूरत लग रही हो। कमर में पेड़ लटक रहे हैं बुढ़े के, चौचले तो देखो इसके। अल्लाह करे ये लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए। क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं, अपने नसीबों को रो रही थी। तो क्या हुआ जनाब के नसीबों को? अच्छी खासी इज्जत की रोटी तो मिल रही है। सिर्फ रोटी ही मिल रही है, इज्जत तो कहीं की नहीं छोड़ी तुमने। अरे जब से इस लड़की को तुम घर में ब्याह कर लाए हो ना, सारे आवारा लड़के घर के दरवाजे के आगे आके खड़े हो जाते हैं। क्या बोल रही हो तुम? आवारा लड़के मेरे दरवाजे पर आते हैं? अरे ऐसी की तैसी नहीं कर दूंगा मैं उनकी। अरे छोड़ो बस, रहने दो, इस बुढ़ापे में किस किस के मत्थे लगोगे तुम। अरे छोड़े जी, चले मुझे अम्मी के घर छोड़ के आए, आके इससे लड़ लेना, वैसे भी इसका तो रोजाना का मामूल है। ए चमक चलो, किसको कहा तूने लड़ाकू? ये सब लड़ाइयां तेरी वजह से हो रही हैं। आई बात समझ में? मुंह संभाल कर बात किया कर। देखो ठीक कह रही है ये दुपट्टा अच्छे तरीके से ओढ़ लिया करो, बाहर लड़के ना बड़ी गंदी नजर वाले होते हैं। मैं इतनी पाबंदियों में नहीं रह सकती, मुझे लेके जाना है तो ऐसे ही लेके जाओ, बाहर इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। देख लिया अपनी महारानी को, पाबंदियों में नहीं रह सकती। पाबंदियों में तो सिर्फ जुबैदा ही रहती थी, अब जाओ संभालो इसे। तुमने तो मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। हाँ हाँ जाओ इधर से, अजीरन करके रख दिए। हाँ ये गेट बंद करते हुए जाना। छोड़कर आ गए अपनी महारानी को? खुदा का वास्ता है जुबैदा, चुप ही कर जाओ। पहले ही टेंशन की वजह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला दो। जाहिर सी बात है, मुझे टेंशन देके तुम कैसे खुश रह सकते हो? अजाब बना दिए मेरी जिंदगी तुमने। देखो जुबैदा, तुम अगर मेरे जज्बात को समझती, मेरी फीलिंग का एहसास करती तो मैं कभी भी दूसरी शादी ना करता। अगर शादी करनी ही थी तो मेरी जैसी नेक सीरत औरत से करते ना। अब देखो सारे मोहल्ले वाले तुम पर थू थू कर रहे हैं। तो क्या करूं, तुम ही बताओ, छोड़ दूं उसको? देख लो जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो, फिर मुझसे ये ना कहना कि तुम्हारी वजह से मैंने नौशीन को छोड़ दिया। खुदा का वास्ता है जुबैदा, कहा था ना तुमसे कि सर में दर्द हो रहा है मेरे, चाय मिल सकती है मुझे? लाती हूँ। बड़े आए थे शादी करनी है, शादी कर ली ना, शादी हो गई बर्बादी। क्या मुसीबत है, अब तो मोहल्ले वाले भी मुझ पर थू थू कर रहे, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। क्या मकतूल बाद में तलाक देने से मुकर गया था जो आपने अपने शोहर और सौतन पे हमला करवाया? तलाक देने से पहले ही जमाल का कत्ल हो गया, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब मेरा यकीन करें, मैंने किसी पर कोई हमला नहीं करवाया। तो नौशीन क्यों बोल रही कि उसका भी गला दबा के उसे मारने की कोशिश की गई और उसके गले पे निशाना भी है? ये तो उसी से जाकर पूछे ना, क्यों आप मुझे तफ्तीश में शामिल करें, उसे भी तो शामिल करें, हो सकता है उसका कोई यार हो जिसके साथ मिलकर उसने ये सब कुछ किया। और वो क्यों मारेगी शोर को,
बकौल तुम्हारे वो तो अपने शोहर के साथ खुश थी। हो सकता है उसे तलाक का पता चल गया। सर, जमाल के कत्ल की वजह से मेरा घर तो और बदनामी की तरफ चला गया है। ले जाओ इन्हें और लोशिन को भेज। तमाम शवाहद इकट्ठे कर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यस सर। आज जुनेद, शवाहद इकट्ठे किए? जी सर। लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजाया? जी सर, भिजवा दी। हाँ जी, मेडिकल टीम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी गर्दन पे जो निशाना था वो मकतूल के हाथों के हैं, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम पे भी कातलाना हमला हुआ है, जबकि तुम्हारा गला तुम्हारे शौहर ने दबाया। ये बता, छुड़ाया किसने? सुन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। जुबैदा ने तुझ पे इल्जाम लगाया है कि तू नहीं अपने शोर का कत्ल किया और तेरा किसी लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। और सच सच बता, हुआ क्या था? तो सुन, देखने में बहुत दुबली पतली है लेकिन मारती बहुत सालिम है। आप मेरा यकीन करें, जमाल को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो शाहिद घर पे आ गया। शाहिद? शाहिद कौन है? शाहिद जमाल का कुलीग है, जिसने मेरी और जमाल की शादी करवाई थी। कहाँ रह गए थे तुम? ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा छोड़ो, चलो जल्दी। ये बताओ कि तुम्हारी सोतन कहाँ गई है? अपने भाई के घर गई है। अच्छा। इससे पहले वो बुढ़ा आ जाए, जल्दी चलो। चलो चलो चलो। ये बताओ, तुम इतनी देर कहाँ रह गए थे? बहुत टाइम लगा है मुझे तुम्हारे पास इस तरह आने का। अब नहीं, अभी नहीं, अंदर। अरे दरवाजा तो बंद करो। बंद करने और खोलने का काम तो तुम्हारा है। हाँ, अगर तुम फिर भी कहती हो कि दरवाजा बंद करो तो कर देता हूं बंद। तुम बिलीव भी नहीं कर सकते, आज तुमसे मिलके जो मुझे सुकून मिल रहा है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। और ये मौका भी आपकी वजह से मिला। ना आप उस बुड्ढे से मेरी शादी करवाते और ना हमें इतनी आजादी मिलती। उसे क्या बताओ, उसकी भूख तो तुमने मार दी, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मुझे आना पड़ा। उस बुढ़े को क्या पता कि पेट की भूख के अलावा भी कोई भूख होती है। इनके साथ इस पर मैंने भरोसा किया, मुझे अपने घर में आने की इजाजत दी, तूने मेरे ही घर में नकाब लगाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल।
गैरत, तुझे मैंने अपने घर की इज्जत बनाया, अरे तुझे मैंने मान दिया और तू मेरे पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। जिंदा रहा तो हम मर जाएंगे। उसको छोड़ो। तुमने क्या किया? कहीं सचमुच मर तो नहीं गया? तुम एक काम करो, देखो अगर ये मर गया है ना, तुम इसके कत्ल का इल्जाम इसकी पहले बीवी पे लगा देना, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा इस वक्त यहाँ ठहरना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तुम समझो मेरी बात। तुम मुझे छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है जान, बात को समझो, ठीक है? तुम संभाल लेना। अल्लाह, मैं क्या करूं? जमाल, जमाल, कत्ल जैसे भी हुआ लेकिन इस कत्ल में तुम भी बराबर की शरीक हो। गुनाह की रस्सी चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, एक दिन उसे खत्म होना ही होता है। उस आस्तीन के सांप शायद को गिरफ्तार करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। बहुत मजे करे उस कुत्ते ने, छोड़ूंगा मैं तुझे भी नहीं। यस सर। हेलो मैडम।